दोस्तों उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों ये आपको बताता चलो, ये आप देख रहे हैं कि ये अपर जाएँ और नीचे ट्रैक चैन लगी हुई है। अपर से मटेरियल नीचे इस ट्रैक चैन में आता है। अब इन हापर को ड्रैग चेन के साथ में डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट नहीं किया जाता, इसमें एक एक्सपेंशन जॉइंट लगाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में कुछ मालूम जो मेरे इलम में होंगी वो मैं आपको शेयर करूंगा, अपना नॉलेज शेयर करूंगा। फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट जो है ना वो क्या होता है दोस्तों? एक्सपेंशन जॉइंट का मकसद ये होता है कि जहाँ पर कोई भी मशीनरी चल रही हो वहाँ से जब उसकी वाइब्रेशन जनरेट होती है तो वो ट्रांसफ़र ना हो, मेटल टू मेटल कनेक्ट जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरह वाइब्रेट थोड़ी से ज़्यादा होते होते वाइब्रेशन बढ़ जाती है और नुकसान का बायस बनती है। इसलिए ये एक्सपेंशन जॉइंट, और दूसरा ये कि थर्मल एक्सपेंशन जो टम्परेचर्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कुछ एक्सपेंड होता है तो वो उसमें गुंजाइश देता है। इसमें जो टॉलरेंस होती है कि ये जो स्पेशल जो ना स्पेसिफिक क्लॉथ लगाया जाता है एक्सपेंशन जॉइंट के लिए, फैब्रिक क्लॉथ कह लें या जो भी हाई टेम्परेचर क्लॉथ होते हैं ये लगाया जाता है। इसके दोनों साइड पे आप देख सकते हैं फ्लैंज होते हैं, ये बोल्टेड होता है, दरमियान में ये लूज़ होता है ताकि इसको जब इसमें एक्सपेंड होने की गुंजाइश मौजूद हो तो इसको इसलिए लगाया जाता है। तो वाइब्रेशन ट्रांसफर ना हो, दूसरा ये कि जब टेम्परेचर से इसमें कोई हीट से कोई भी चीज़ कोई भी इक्विपमेंट कोई भी मेटल बॉडी अगर एक्सपेंड होती है तो वहाँ पे ये गुंजाइश देती है, ये फिक्स नहीं होती, रिजिड नहीं हो जाती। तो ये एक्सपेंशन जॉइंट का फंक्शन होता है। इसको जब भी कभी डैमेज होता है तो इसके खोल के दोबारा इससे नया कपड़ा लगा के चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को दबाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मज़ीद आपको अपडेट्स मिलते रहें।